आज मन सुबह से ही प्रसन्न था। तैयार होकर ऑफिस के लिए निकली तो मौसम भी खुशनुमा लग रहा था। पता नहीं वास्तव में ऐसा था या नहीं, लेकिन आज रास्ते में आते जाते लोग भी खुश लग रहे थे। बात ही कुछ ऐसी थी, आज शाम कॉलेज का रीयूनियन था। उन्हीं सब दोस्तों से मिलने का उत्साह बढ़ता जा रहा था जिनके साथ अपनी जिंदगी के कुछ सबसे हंसी पल जिए थे। ऑफिस में बैठी तो लगा बस शाम हो जाए और मैं उड़कर सीधा शाम की पार्टी में पहुंच जाऊं। लंच ब्रेक भी नहीं लिया ताकि जल्दी जल्दी काम निपटा कर तैयार होने के लिए घर पहुंच जाऊं। पार्लर तो खैर कल ही हो आई थी, फेशियल वैक्सिंग सब करा लिया था, अब बस तैयार होना बाकी था। ड्रेस भी पहले ही पसंद कर ली थी तो बस घर पहुंचकर हल्का फुल्का मेकअप करके जब आईने में अपने आप को निहारा तो 5 साल पुराना अपना ही चेहरा आंखों में घूम गया। काले लंबे घने बाल और बड़ी बड़ी आंखों पर आधा कॉलेज तो दीवाना था। रंग चाहे सांवला था लेकिन आंखों की कशिश बरबस अपनी ओर खींच लेती थी। आज भी उस आकर्षण में कोई कमी नहीं आई थी। सब कुछ पहले जैसा ही था, बस इस्तेमाल की चीजें ब्रांडेड हो गई थी। अच्छा खासा कमा रही थी और कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी। घर से दूर इस शहर में रहने के लिए और थोड़ी बहुत खरीदारी करने के लिए कमाई काफी थी। पापा मम्मी ने भी जबरदस्ती की कोई बंदिश नहीं लगाई थी, तो कुल मिलाकर जिंदगी एक ढर्रे पर चल रही थी। घड़ी में टाइम देखा, लगा कि अब चलना चाहिए नहीं तो देर हो जाएगी। ऑटो में बैठते ही नीना को फोन लगाया ताकि पार्टी के माहौल का पता चल सके। नीना ने ही आज रियूनियन के बारे में बताया था, वरना कितने सालों से सभी साथियों से संपर्क छूट चुका था। फोन नंबर बदलने से कोई संपर्क करता भी तो कैसे। वो तो पता नहीं कैसे नीना ने ऑफिस फोन लगाकर नंबर लिया और पार्टी में इन्वाइट किया। इतने सालों बाद भी साथी भूले नहीं थे, इस बात पर मुझे गर्व था। होटल के गेट पर पहुंचकर ऑटो वाले को पैसे देकर अंदर घुसी रही थी कि पैर ठिठक गए। वो भी तो होगा वहां। अभी तक जिस ख्याल को अपने अंदर झुठला रही थी, वही ख्याल अब पैर ही बढ़ाने नहीं दे रहा था। इन 5 सालों में जिंदगी के बहुत उतार चढ़ाव देखे। शुरुआत से शुरू करें तो कॉलेज में उससे बहुत अच्छी दोस्ती थी। कितनी शामें साथ गुजारते थे हम, कभी कोई प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए तो कभी मस्ती के लिए। वो तो कॉलेज खत्म होने के बाद एहसास हुआ कि दोस्ती से भी बढ़कर है कुछ। इतना गहरा नाता कि बिना कहे एक दूसरे के दिल का हाल जान गए थे। सब कुछ सही होता अगर अलग अलग धर्म की दीवार ना बीच में खड़ी होती। इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसका हाथ थाम कर समाज के सामने अपनी चाहत की पैरवी कर सकूं। आखिर बचपन से सुशील और संस्कारी लड़की का तमगा जो लिए घूम रही थी। जब अलग होने का फैसला लिया तो बस इतना कहा कि जो हो नहीं सकता उसके बारे में सोचना क्या। आपसी समझ इतनी कि इजहार किए बगैर जुदाई भी ले ली और फिर एक दूसरे से नहीं मिले। घर वालों की मर्जी से शादी भी कर ली, लेकिन पति ने पहले ही दिन बता दिया कि ये शादी उसकी सहमति से नहीं हुई है और वो अलग होना चाहता है क्योंकि उसे कोई और पसंद है। तो फिर शादी करी ही क्यों, अपनी पसंद की लड़की से क्यों नहीं की, ये भी कहां पूछ पाई, क्योंकि पति भी अपनी ही तरह कमजोर शख्सियत का लग रहा था। दोनों एक ही स्थिति में थे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि लोक लिहाज को छोड़ अपनी इच्छा को आगे बढ़ा सके। खैर, आपसी सहमति से 2 साल के भीतर ही तलाक ले लिया। इन सब परिस्थितियों से गुजर कर खुद ही अपने आप को कमजोर औरत घोषित कर अपने में ही समेट लिया। लेकिन आज कॉलेज की दहलीज पर आकर यादों की परत दर परत खुलने लगी। उसे तो कभी भुला नहीं पाई थी मैं, बस जैसे अपने मन को कड़ी हिदायत दे रखी थी उसके बारे में सोचना भी पाप है। इसी उधेड़ बुन में थी कि नीना ने झकझोर दिया। ख्यालों में इतनी डूब चुकी थी कि पता ही नहीं चला कि नीना कब सामने आकर खड़ी हो गई और हाथ पकड़कर अंदर ले गई। पुराने साथियों को मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था। कोई मोटा हो गया था तो किसी के चश्मा लग गया था। सामने इतने लोगों के होने के बावजूद नजरें चोरी छुपे उसी को ढूंढ रही थी।
खुद नहीं समझ पा रही थी कि अब तक जिस शख्स से अपने को बचाना चाहती थी अब उससे मिलने को इतनी बेचैन क्यों थी। तभी पीछे से हल्की जानी पहचानी आवाज में अपना नाम सुनकर पलटी तो उसे खड़ा पाया। काले रंग के फिटिंग का सूट पहनकर करीने से बाल बनाकर बहुत जच रहा था। कॉलेज में तो हमेशा बिना प्रेस की टी शर्ट पहनकर आता था और बाल भी बेतरतीब ही रहते थे। कहता था हॉस्टल में सब ऐसे रहते हैं, लगता है अब जनाब को बीवी सलीके वाली मिली है, तभी तो एकदम टिप टॉप बना के भेजा है। खैर, औपचारिकता पूर्ण अभिवादन कर दोनों चुप खड़े हो गए। समझ नहीं पा रहे थे कि कहां से शुरू करें। करियर को लेकर बात शुरू करना ही ठीक लगा, फिर तो समय का जैसा हिसाब ही नहीं रहा। कब एक घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। वो तो जब खाने की घोषणा हुई तो मानो कॉलेज के दिनों से निकलकर वापस आज में आए। अभी तो निजी जिंदगी के बारे में बात करने से कतरा ही रहे थे। खाना खत्म करके जब सबसे विदा लेकर जाने लगी तो अचानक से वो पास आया और पूछने लगा कि क्योंकि देर भी हो गई है और अगर पति नहीं आ पा रहे हैं तो वो घर तक छोड़ सकता है। इस बात पर हल्के से मुस्कुरा दी, लगा आप बीती सुनाकर उसकी खुशहाल जिंदगी में अपने दुख का पैबंद क्यों लगाया जाए। स्वीकृति समझ वो गाड़ी निकाल लाया और दोनों चुपचाप उसमें बैठकर चल दिए। हालांकि दोनों ही चुप थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अगर खामोशी की अपनी जुबां होती तो चीख चीख कर दोनों के दर्द दिल बयां कर रही होती। सड़क पर बस चले जा रहे थे कि अचानक उसे ख्याल आया, इस रास्ते की कोई मंजिल तो होनी चाहिए, और उसने घर का पता पूछ लिया। वर्किंग वुमेन हॉस्टल पहुंचने पर जब उतर कर जाने लगी तो अचानक से उसने हाथ पकड़ लिया और बोला कि मैंने शादी नहीं की है और समझ गया हूं कि तुम भी अकेली ही हो। और अभी तक की खामोशी ने इतना जरूर बता दिया है कि इंतजार दोनों दिलों को था। शायद यही वक्त था अपने समाज से डर वाले मुखौटे को उतार कर फेंकने का। पता नहीं आज फिर क्यों ऐसा लग रहा था कि उनके बीच का नाता इतना गहरा था कि शब्दों की जरूरत ही नहीं थी जुदाई को इजहार में बदलने की। दोनों एक दूसरे की गुजरी जिंदगी से आने वाले साथ के बारे में सोचकर खुश थे। दोनों का इंतजार आज खत्म हो रहा था। ये उनके मिलन का समय था।